एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग पे। आई होप ऑल इज़ वेल। घर में तो सब अच्छी है, बस मुझे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी एक दो दिन, बट टुडे आफ्टर फ्रेशन अप आई एम फीलिंग मच मोर बेटर और थोड़ा एनर्जाइज भी हो चुकी हूँ, तो इसलिए एक रैंडम व्लॉग शुरू कर रही हूँ। किड्स हैव गॉन टू स्कूल एंड इवन माई हस्बैंड, मॉर्निंग मील तो हो चुकी है, छोटा सा मैंने दाल के साथ खाना खाई हुई है। एंड लेटर इन द आफ्टरनून आई एम प्लानिंग टू कुक अ चिकन बॉयल विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, और बिल्कुल भी आज तो फ्राई वगैरह मसाला खाने के लिए मन नहीं है। एंड दिस डिश आई ऑलवेज ट्राई टू कुक वेन एवर किड्स आर इल, तो बच्चों को भी पसंद है, तो इवन आई फील लाइक ईटिंग दैट टुडे, सो आई कुक दैट लेटर ऑन। और अभी फ़िलहाल मुझे एक छोटा सा केक का ऑर्डर आई हुई है। आई हैव ऑलरेडी बेक द स्पॉन्ज, बना लिया है मैंने, बस आइसिंग करने वाली है, सो आई एम गोइंग टू डू दैट। मी शो यू कितना स्पॉन्जी है, देखो कलर है, ये देखो मैंने टॉप पार्ट जो है निकाल दी है, जिस लेवल कर लिया है मैंने। गाइस आज मेरे केक बोर्ड जो है बहुत छोटा वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि घर में स्टॉक में नहीं है। हस्बैंड कल दिमापुर जाने वाली है तो वो ला देंगे मेरे लिए, फिलहाल आज मैं ये यूज़ कर रही हूँ। गाइस मेरी केक बन के तैयार हो गया, बस ये बेस जो है ये बोर्ड जो है छोटा पड़ गया। केक बना के मैंने रख दिया है, बाद में लेने के लिए आएंगी कस्टमर। और अभी मैं पॉलिश कर रही हूँ, बैग्स वगैरह कुछ पॉलिश कर दिए हैं मैंने, तो मेरे काम जो है ये सब है आज। और बाद में जब हस्बैंड आएंगे, हम दोनों जाने वाले हैं, उसके लिए कुछ शर्ट वगैरह लेने के लिए मार्केट में। ये हैंड बैग देखो, बहुत ही बढ़िया वाला हैंड बैग है, मैंने ये भी पॉलिश कर दिया है। सो ये दो आप ये सन ड्राई करेंगे, और यहाँ में भी एक तो सूखा रही है। फाइनली बच्चे आ गए हैं और आती है, देखो दीवी में लग गया जाए भी के, तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए दीदी है और बाद में शुरू करेंगे पढ़ाई। गाइस बच्चे भी आ गए, हस्बैंड भी आ गए और थोड़ा टाइम भी गया है, इट्स अराउंड 3:15, तो हम दोनों जाने वाले हैं दुकान पे। निकल रही हूँ अभी, गाइस प्लान चेंज हो गया थोड़ा, हम दोनों हस्बैंड हम दोनों बाहर जाएगी, थोड़ा देरी से आए हैं, सो आप गोइंग टू कुक क्विकली, एज आई हैव सेड अर्लियर आई एम गोइंग टू कुक एज अ बॉइल्ड चिकन,
तो बस थोड़ा सा स्क्वाश दिखे, बरेला सीड्स दिखे, मैं ये चिकन डिश जो है बनाने जा रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एज आई सेड लॉट्स ऑफ वेजेस. थोड़ा जल्दी खाने की मन है सबको, इसलिए बस सिंपल सा मैं बना रही हूँ. बट इट्स गोना बी वेरी वेरी टेस्टी. सो या लेट्स स्टार्ट कुकिंग. ये देखो हरी भरी, मेरे हस्बैंड तो चटनी बना रही है. लेट्स कुक द चिकन. या फिर मैं नमक दे रही हूँ, बैम्बू शूट, 4 to 5 चिलीज, बहुत सारा पानी दे दिया. चलो बना दी है. मेरी पॉट जो है छोटा पड़ गया, तो यहाँ मैंने चेंज कर लिया. यहाँ भी थोड़ा मैं बरेला सीड्स टोस्ट कर रही हूँ. ये अच्छे से पाउंड कर लेती है. ये देखो ये पाउडर हो गया है. लेट्स पुट द बरेला सीड्स इन. नाउ लेट्स पुट द जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट. And let it cook until the chicken is nice and soft. So guys, here is the slices of some chayote squash, one tomato and lots of long coriander. Chicken to ho gaya soft, to abhi main squash de rahi hoon. टमाटो और कोरिएंडर भी साथ में दे देंगे. नाउ लेट इट सिमर फॉर 4 to 5 मिनट्स. तो सिंपली चिकन बॉयल विद बरेला सीड्स एंड स्क्वाश इज रेडी. तो ये मेरे लिए आज मैं यहाँ पे खाऊंगी. सो लेट मी पुट 2 पीस ऑफ चिकन एंड लॉट्स ऑफ सूप एंड स्क्वाश. टाइम टू टेक इन. बच्चे भी खा रही है साथ में. यहाँ पे हस्बैंड दो पाइनएप्पल पील कर रही है हम सब खाने के लिए. खाने के बाद एक फ्रूट खाने के लिए मन होता है उसको बहुत ज़्यादा. तो आज हस्बैंड ने क्या लिया है वो दिखाती हूँ मैं आपको. सो बस दो तो शर्ट लिया है. ये लिया है बहुत ही बढ़िया वाला जैक शर्ट है ये. और ये बस एक प्लेन वाला शर्ट लिया है. ये खाना खा लिया है और यहाँ पे बच्चों के साथ बैठा है. इंजीनियर स्टडी कर रही है. तो यहाँ पे एक लड़की है, क्रोशे करने के लिए मन है उसको सीखने के लिए. और बेबी सीखने ना टू लर्न एंड रिपीट. हाउ बिग यू वांट टू मेक, यू कैन मेक दिस वे. बना दो और वो अनोखन बना रो अन्नपूर्वाजी
how you do. गाइस थोड़ा टायर्ड है तो आज यहाँ तक के अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, बच्चे भी पढ़ाई कर लिया है सो यहाँ तक के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।